Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class 9th and I am your maths teacher. तो हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ रहे थे, उसके क्वेश्चन नंबर 70 तक हम सॉल्व कर चुके हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में आपको जो वैल्यू दी है, दैट इज द x इज इक्वल टू √5 - √5 - 2 आपको दी हुई है. ठीक है, तो x की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, ये दी हुई है. तो आप इसका क्या करो, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो. तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है इसके अपोजिट वैल्यू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 5 - 2 है, तो मैंने 5 + 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करने पर तो ये आया, और ये कौन सा फॉर्मूला है, a - b और a + b. तो इसका आंसर क्या होगा, a² - b² यानी √5 का होल स्क्वायर, और b² यानी कि 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, √5 + 2 एज इट इज आ गया. √5 का होल स्क्वायर 5 आएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा. ठीक है, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा, √5 + 2, क्योंकि 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, और 1 की तो कोई वैल्यू होती ही नहीं है. ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी x की वैल्यू जो है बेटा, वो √1 / √5 - 2 है. क्या है, 1 / √5 - 2. ठीक है, और आपको एक 1 / x की वैल्यू चाहिए. तो 1 / x की क्या वैल्यू होगी, जब x की ये है तो 1 / x की अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो x / 1 की वैल्यू दी है, ये आपके x / 1 की वैल्यू है. लेकिन अगर आप 1 / x यानी 1 को ऊपर लेके जाते हैं, x को नीचे लेके जाते हैं, तो ये भी अपोजिट हो जाएगी. तो ये √5 - 2 हो, ये वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, x² + 1 / x², यही आपको फाइंड आउट करना है. तो x की वैल्यू कितनी है, √5 + 2. तो x² यानी √5 + 2 का होल स्क्वायर. फिर उसके बाद प्लस 1 / x² 1 / x क्या है आपका, √5 - 2 यानी कि √5 - 2 का होल स्क्वायर. इन दोनों का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे राइट कर दिया. अब इसको और इसको आप a + b की होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है उससे ओपन कर लेंगे. ठीक है, अब लगाया a + b का होल स्क्वायर. तो पहले √5 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 5 + 2 ab यानी 2 √5 * 2, क्योंकि ये a है और ये b है, प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 4. वैसे यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया. ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद 5 और 4 9 हो गए, 4√5 हो गया. 5 और 4 9 हो गए, -4√5 हो गया. ठीक है, 4√5 से 4√5 कैंसिल हो गया. क्या बचा, 9 + 9, तो 9 + 9 आपका 18 आ गया. तो x² + 1 / x² का आंसर आपके 18 आ गया. ठीक है, वैसे अब आपका सेकेंड वाला है. सेकेंड वाला जो है उसमें आपको x² - 1 / x² जो है फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो, x + 1 / x की वैल्यू निकालो. तो x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, अभी हमने क्वेश्चन में निकाली थी, क्या आई थी, x की वैल्यू है आपके √5 + 2. ठीक है, प्लस एज इट इज आ गया. अब 1 / x की वैल्यू क्या है, √5 - 2, ये आपके 1 / x की वैल्यू है. तो देखो ये -2 है, +2 है, कैंसिल हो गया. आपके पास क्या बचा, 2√5. तो x + 1 / x की वैल्यू क्या आ गई, 2√5. तो उसके बाद आप वैल्यू फाइंड आउट करो x - 1 / x की. ठीक है, x कितना है, √5 + 2. उसके बाद साइन है माइनस का, और 1 / x की वैल्यू क्या है, √5 - 2. अब ब्रैकेट ओपन करो, √5 + 2 एज इट इज, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो -√5, माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ तो +2. अब ये -√5 ये +√5 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 4. यानी कि आपके जो x + 1 / x और x - 1 / x, समझ रहे हो, a + b और a - b यही है, और a + b और a - b यानी a² - b² और a क्या है यहाँ पे, x यानी x² और -b² यानी कि -1 / x का स्क्वायर. ठीक है, तो x + 1 / x कितना है, 2√5 मल्टीप्लाई x - 1 / x कितना है, 4. ठीक है, तो x² - 1 / x² की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, वो 8√5 आ गया आंसर. हो गया ये सॉल्व. ठीक है, ये ऐसे ही आपके होगा. अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं. देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 19, आपको x की वैल्यू दी हुई है और आपको ये इक्वल टू 0 होता है ये प्रूफ करना है. तो चलो हम इसे प्रूफ करते हैं.